News 18, India. हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में आज जिक्र होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जिक्र आज इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी उठापटक मची हुई है, और नवाज शरीफ, जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि चुनावों के बाद उनकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो वही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा ये भी आप यहाँ पर समझिए। नवाज शरीफ आखिर पीछे क्यों हट गए, इसके पीछे के बहुत कारण हैं जो वहां के विशेषज्ञ बताते हैं। माना यह जाता है कि नवाज शरीफ पहले ये सोच रहे थे कि उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, PMLN को पूर्ण बहुमत मिलेगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो उनकी पार्टी का नाम है, लेकिन PMLN को केवल 75 वोट मिले। 75 वोटों के बाद अब कहीं ना कहीं नवाज दुखी हैं और वो साधारण बहुमत से बेहद खुश नहीं है, और इसी नाखुशी की वजह से उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि उनको ये प्रधानमंत्री का पद अब नहीं चाहिए। लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनका जो छोटा भाई है शहबाज शरीफ, जो इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और उसके बाद फिर वो इस्तीफा देते हैं, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट बनती है और अब फिर से चुनाव होते हैं, उनकी पार्टी फिर सत्ता में आती जरूर है सेकेंड लार्जेस्ट वोटों के साथ, लेकिन अब शहबाज शरीफ का नाम उन्होंने आगे कर दिया है नवाज शरीफ ने। और नवाज शरीफ का नाम पीछे क्यों हुआ ये तो आपने जाना, लेकिन शहबाज शरीफ का भी नाम आगे क्यों किया गया है इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले ये मैं आपको बताऊंगी, आप ये समझिए कि आखिर पाकिस्तान में जब वोटिंग हुई तो उसके बाद किस पार्टी को कितने वोट मिले। PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये पार्टी है इमरान खान की, जिसको मिले 93 वोट्स। PMLN जो पार्टी है नवाज शरीफ की, इसको मिले 75 वोट। PPP तीसरी बड़ी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि बिलावल भुट्टो की पार्टी है, जो कि बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, उनकी ही ये पार्टी है, उसको मिले 54 वोट। तो ऐसे में कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, और बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए अब गठबंधन की तैयारी है। इसी वजह से PTI को तो एक तरीके से दरकिनार पहले ही कर दिया था तमाम पार्टियों ने, और PTI ने भी अब ये ठान लिया है इमरान खान की पार्टी ने कि वो विपक्ष में ही बैठेगी। तो ऐसे में अब सत्ता किस तरीके से बनाई जाती है ये निर्भर करता है PMLN और PPP पर, जो अब गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का नाम आगे क्यों दिया अब आप समझिए। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के विशेषज्ञ, वहां पर जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो गठबंधन किंग मानते हैं। वहां पर कहा यह जाता है कि 13 पार्टियों की जो गठबंधन की सरकार थी उसको मिलकर उन्होंने अपनी सूझबूझ से 17 महीनों तक चलाया था, तो एक अनुभव उनके पास बहुत अच्छा है, और गठबंधन को बहुत अच्छे से संभालते हैं, हर किसी की राय सुनते हैं और किस तरीके से उसको आगे ले जाकर चलाना है वो भी रणनीति वो तैयार कर पहले ही बैठते हैं। और इसी वजह से अब नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो सत्ता उनको दे दी जाए शहबाज शरीफ के हाथों में, और प्रधानमंत्री का पद भी उन्हीं को दिया जाए। तो अब नया नाम सामने आ गया है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो सकते हैं आने वाले वक्त में, हो सकता है जल्द ही वो शपथ भी लें, लेकिन इसमें एक बड़ा जो रोल है वो PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अदा करती है, जो कि बिलावल भुट्टो की पार्टी है। बिलावल भुट्टो का भी नाम सामने आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ये शर्त ना रख दें कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए अगर गठबंधन करना ही है तो, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में है इस वक्त PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन बिलावल भुट्टो ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक चला है। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है पाकिस्तान के, वो ये मानते हैं कि ये जो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने चला है 3 पदों के लिए चला है। पहला पद वो चाहते हैं राष्ट्रपति का, जो कि उनके जो पिता हैं आसिफ अली जरदारी, उनको दे दिया जाए वो ये चाहते हैं। दूसरा पद है सीनेट अध्यक्ष का, और तीसरा पद है नेशनल असेंबली के स्पीकर का। ये 3 बड़े पद है पाकिस्तान में जो चाहते हैं कि उनकी पार्टी के लोगों को ही दिया जाए या फिर उनको सौंपा जाए। और ऐसे में उन्होंने ये भी शर्त रखी है कि उनको कैबिनेट में कुछ नहीं चाहिए, यानी कोई भी मंत्रालय वो नहीं चाहते, लेकिन केवल ये 3 पद चाहते हैं। तो देखिए किस तरीके से इस वक्त पॉलिटिकल उठापटक पाकिस्तान में है, और चुनाव होने के बाद से ये हलचल और ज्यादा बढ़ गई थी कि आखिर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन होगा। लोग समझ यही रहे थे कि नवाज शरीफ ही अब आगे आएंगे, लेकिन नवाज शरीफ पीछे हट गए हैं, शहबाज शरीफ का नाम सामने आ गया है, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो जाएं।